हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अष्टमी और आज हम लोग निकले हैं दुर्गा पूजा दर्शन के लिए। तो अभी है दोपहर का टाइम और हम लोग निकले हैं, मैं, मेरे हस्बैंड अद्वैक, मेरे देवर देवरानी, वो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सब निकले हैं दोपहर में ताकि रात में सिर्फ लाइट देखें, दिन में जो मूर्तियाँ हैं उनके दर्शन कर लें। तो चलिए हमारे साथ, आप भी दर्शन कीजिए। इस सेक्टर में बना है ईगल और यहाँ पर पीछे जो दुर्गा पूजा का पंडाल बना है वो भी थोड़ा सा यूनिक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है शायद 68 और यहाँ पे इस तरह से बनाया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं कि दुर्गा माँ की मूर्ति कैसी है। तो यहाँ पे मूर्ति देखने के बाद हम लोग और जगह भी गए थे और वहाँ पे भी माँ दुर्गा के दर्शन किए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। बट हम लोग दोपहर में ही निकल गए और काफ़ी ज़्यादा पंडाल हम लोग घूम के भी आ गए। हम लोगों ने कुछ पिक्चर भी क्लिक की और बच्चों ने थोड़ी राइड भी इंजॉय की। तो ये सारी चीज़ें हमने की दोपहर में। यहाँ पे मेरे बेटे अद्विक ने और मेरे देवर के बेटे ने ट्रैम्पोलिन इंजॉय किया। उन लोगों को ट्रैम्पोलिन बहुत पसंद है तो जब भी जाते हैं ट्रैम्पोलिन पे जाने की जिद ज़रूर करते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे उन लोगों को ट्रैम्पोलिन राइड इंजॉय करने दिया और उसके बाद उन्होंने ट्रेन राइड भी इंजॉय की। तो इस तरह से बच्चे भी अपनी मस्ती में लगे थे। आराम सोया हुआ था इसलिए हम लोग उसको लेके नहीं गए थे, वो दादी के पास था और हम लोग बाहर घूमने चले गए थे। तो इस तरह से हम लोग दोपहर में ही सारी मूर्तियां जितनी हम लोग कवर कर सकते थे शाम तक घूमकर आ गए थे। तो देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे ट्रेन राइड पर चले गए हैं। बट अद्विक को उसके हॉर्न से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी तो वो बीच में ही उतर गया था। बट पीपल जो कि मेरे देवर का बेटा है उसने ट्रेन राइड पूरी इंजॉय की और उसके बाद फिर हम लोग एक और जगह चले गए थे जहाँ पे मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मैं थोड़ी बहुत झलक वहाँ पे
की आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह बच्चों ने यहाँ पे ट्रेन राइड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ छत पे। छत पे फले हुए बैंगन, तो मैं बैंगन तोड़ने आई हूँ। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे बैंगन फले हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेला भी लगा हुआ है छत पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरी सासू माँ का टेरेस गार्डन, जिसमें ये छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं। यहाँ पे भी है और यहाँ पे है पुदीना, यह है रोज़, यह है करी पत्ता का प्लांट और यहाँ पे लगा हुआ है कद्दू। और उसके साथ ही साथ ये थोड़े से फूल के भी हैं, अड़हुल के फूल के प्लांट्स हैं। गेंदे का सीज़न पूरा आया नहीं है, तो गमले में लगाया हुआ है। तो ये है कम छोटे वाले बड़े वाले सारे गेंदे लगे हुए हैं। और अभी दिखाती हूँ बैंगन। तो ये है बैंगन, देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं इस तरह से। आई होप आपको दिखेगा अच्छे से। तो काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए हैं जिनको मैं तोड़ने आई हूँ। देखिए छोटे छोटे भी बहुत सारे लगे हैं, फूल भी लगे हैं, इस तरफ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं बैंगन तोड़ने आई हूँ, तो चलिए तोड़ते हैं बैंगन।
से इतने सारे बैंगन मिल गए हैं मुझे, और फ्रेश फ्रेश अपने गार्डन का बैंगन है आज जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी भिंडी भी लगी हुई है, और यहाँ पे है टमाटर जिसमें फूल आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर जब मैं फेब के टाइम में यहाँ पे आई थी तो बहुत सारे टमाटर हुए थे, और छोटे छोटे प्लांट भी हैं अभी टमाटर के यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे उसी बैंगन की सब्ज़ी बन रही है, और मैं शुरू में रिकॉर्ड करना भूल गई थी। मसाला यहाँ पे बन गया है, तो इसमें मसाले में पानी डालकर जैसे ही वो बनने लगेगा, मैंने सारे बैंगन को डालकर इसकी अच्छी सी सब्ज़ी बना ली थी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।